आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्स ऑफ पीपीटी, यानी कहने का मतलब जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पढ़ी हुई थी पिछले सेशन में, उसी का कन्वर्स हमने आज करना है। तो कन्वर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले देखो पीपीटी को वापस हम रिवाइज करें कि सबसे पहले कहा गया था, स्टेटमेंट क्या था कि अगर हम क्या करते हैं, कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के पैरेलल, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करने की बाकी बची हुई दो साइड्स को क्या करे, वो कट करे, ठीक। तो जब ये कट करेगी तो ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, हमने वहां ये पढ़ा, ठीक। यानी अगर मैं इसे ई एफ मानता हूँ तो ये रेशियो कौन है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। बट इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स का मतलब क्या होगा, देखो ये चीज गिवन होगी इस बार और हमें शो करना होगा कि ये और ये दोनों आपस में पहले हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट ये रहा आपके सामने। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, तो प्रूफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो एक आपका ट्रायंगल लिया होगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और ए सी। तो इस बार क्या है कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, लेकिन वो पैरेलल है ऐसा नहीं कहा हुआ है उसने, ठीक है। जैसे ये सपोज करो ये लाइन, इसका नाम है ई एफ, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है, जो ई एफ है ये मुझे शो करनी है कि पैरेलल है किसके, बी सी के, और गिवन क्या है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये गिवन है, ठीक। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सपोज करो आपका एक पैरेलल नहीं है, मान लो एक पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल लेके चल रहे हैं एक अदर लाइन को जो ई से गुजरती है और कहीं दूसरी जगह कट करती है, जिसका नाम है, जिस पॉइंट का नाम है एफ डैश। एक अदर लाइन ले ली जो ई से तो पास हो रही है लेकिन वो आपका कहाँ पर, एफ डैश पर कट कर रही है ए सी को, और हमने कहा कि ये पैरेलल है किसके, बी सी की, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे लेट ई एफ डैश इज पैरेलल टू बी सी, ठीक। तो आते प्रूफ में, ये गिवन में था, ये गिवन दैट, ठीक है। तो इसे इक्वेशन वन मानेंगे, इसे इक्वेशन सॉरी इसे मत मानना है, इक्वेशन इससे रिलेटेड जो टर्म आया था हमारे पास उसे इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए करना है प्रूफ पे आता है, दो लाइन का प्रूफ है तो इस बार में ज़्यादा डीप नहीं जा रहा इस पर, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि सिंस ई एफ डैश इज पैरेलल टू बी सी, अगर ई एफ डैश पैरेलल है बी सी के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ डैश अपॉन एफ डैश सी, ये आपका किसकी मदद से, जो हमारा कंस्ट्रक्शन था उसकी मदद से आपका ये काम हो चुका है, ठीक है। ये इक्वेशन टू मान, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो उनका सेम चीज है, तो उनका राइट भी सेम होगा, ठीक। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें मिला वन और टू से क्या मिला, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए एफ डैश अपॉन एफ डैश सी मिल गया। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो रेशियो है इतना अपॉन इतना, ये आपका किससे इक्वल है, दिस अपॉन दिस, ठीक। तो ये कब पॉसिबल है, ये दोनों चीजें कब पॉसिबल है, जब एफ जो एफ और एफ डैश क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो बस इतने से करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट में आपका विच इज पॉसिबल ओनली इफ only if f and f dash coincides, यानी ये तभी पॉसिबल है जब आपका f और f dash क्या करेंगे, coincide करेंगे, ठीक। therefore
EF dash parallel to BC implies that EF parallel to BC, hence true. और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन का सारा लेना पड़ा, आपको पता है कि इस कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने। देखो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान काम है कि उसने कहा क्या, अ लाइन इज इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऐसा कुछ शो करना था हमें, यानी जस्ट कन्वर्ज था इसके डीपीटी के। तो उसके बाद किया कि हमने, देखो हमने कहा कि स्टार्ट कहाँ से किया, जो उसने गिवन था, उसने दिया हुआ था कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी बाय स्टेटमेंट, ठीक। तो हमें शो करना था कि ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के, मान लो कि ई एफ पैरेलल नहीं है बी सी, ठीक। जैसे अगर आप कह रहे कहीं पे लिख सकते हैं, प्रूफ में लिख सकते हैं कि लेट ई एफ नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक, ये मान के चल सकते हैं कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू बी सी। लेकिन ई एफ अगर बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई ऐसी लाइन तो होगी जो ई से पास होगी और पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो हमने वही लाइन कंस्ट्रक्ट करी, वो लाइन कौन है हमारे हिसाब से, ई एफ डैश, ठीक। तो ई एफ डैश इज पैरेलल टू बी सी, देन तो ई एफ डैश अगर पैरेलल है बी सी के, इसका मतलब हुआ कि थेल्स थ्योरम का यूज किया जा सकता है, और थेल्स थ्योरम के यूज से हमें पता चलता है कि इनका जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू एक ही चीज को डिनोट कर रही है, देखिए ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, दैट मीन्स बी इक्वल टू सी, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों चीजें इक्वल होगी, लेकिन ये चीजें एक ही लाइन में हो रही हैं, एक ही लाइन में दो का रेशियो इक्वल आ रहा है, और ये रेशियो तभी पॉसिबल है जब आपका एफ और एफ डैश क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो एफ और एफ डैश क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, और एफ और एफ डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एफ डैश को रिप्लेस किया जा सकता है एफ से, जो कि हमें शो करना था ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस टू, ठीक।